लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दिल को पकड़ कर रख कर्नल, इस तरह सबके सामने आंखें गीली करेगा तो कैसे चलेगा? क्या करूं बिहारी, किस तरह रोकूं मैं अपने आप को, कब तक रोकूं? ऐसा लगता है जैसे जैसे सारी दुनिया मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। नहीं रहा मुझ में सब्र, नहीं रही मुझ में अब बर्दाश्त करने की ताकत। टूट चुका हूं बिहारी, मैं टूट चुका हूं। नहीं करना, नहीं, अपने अपने टुकड़े समेट करना। देख आ मेरे साथ, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगा तो कैसे चलेगा कर्नल? देख हमें बहुत से अपने दिलों के हाल को छिपाना है। जब भी मेरा दिल उदास होता है ना तो मैं यहाँ अकेले में आकर रो लेता हूँ, अकेले में बातें कर लेता हूँ अपने सूरज से। तेरा दिल जब भी उदास हो तू भी यहाँ आ जाकर और बहा लिया कर सारे आंसू। तेरा बाप बहुत बहादुर हुआ करता था बेटे, बड़े बड़े जख्म खाए, अजाने कितने दुख सहे, लेकिन तेरा गम नहीं सह जाता बेटा, नहीं सह जाता। मेरी बीवी अलका को देखता हूं तो मैं जानता हूं कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं, लेकिन कब तक? तुम बोलते थे ना कि आज के वक्त में एक जवान औरत का विधवा होना पाप है, लेकिन मैं उसे कैसे कह दूं कि वो विधवा है? तुझ में हिम्मत है तो तू आ जा और पहुंच दे उसके माथे का सिंदूर और तोड़ दे उसके हाथों की चूड़ियां और कह दे उसे कि वो विधवा हो गई है और वो तुझे भूल जाए, वो तुझे भूल जाए। क्या करूं यारे, क्या बस कर बस। पहले क्यों नहीं फेंका, हैंडरमी दिखा देती। बहुत वक्त हो गया, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा भाभी, अच्छा अच्छा मिनी, कभी कभी वक्त निकाल कर आ जाया करो। हाँ जरूर, अब चलो भी। भाभी तुम कुछ भूल रही हो। कुछ भूल रही हूँ? तुम कुछ बात करने आई थी ना। बात करने? ओफ भाभी अब तो बनो मत, अलका भाभी से बात कर लो ना। अच्छा वो बात, लो सुनो, बिना बताए लड़की पसंद करते हैं, फिर हमसे छुपाकर उसे प्यार भी करते हैं, लेकिन शादी की बात खुद नहीं कर सकते। अरे भाई किसकी शादी की बात हो रही है? बाबूजी है तो छोटा मुंह बड़ी बात, मैं विजय के लिए आपकी मिनी का हाथ मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ हमारा खानदान आपके बराबर का नहीं है। जिस खानदान के सुपूत ने समाज के बरसों पुराने असूल तोड़ डाले, जिसने एक उजड़ी हुई मांग बसा डाली, मैं उस खानदान को बहुत ऊंचा समझता हूँ। मुझे रिश्ता मंजूर है, तुम विजय की कुंडली भिजवा देना। ऐसी मिली हुई कुंडलियां तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, ऐसी जोड़ियां तो विधाता कभी कभी बनाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्याह होते ही क्या हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है पंडित जी, जल्दी से शादी का मुहूर्त निकालिए। मुहूर्त तो जल्दी का नहीं है, अभी तारा डूबा हुआ है और तारा निकलेगा करवा चौथ के बाद। करवा चौथ? करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए कर्नल साहब के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? आप तो समझते नहीं, बरसों से ऐसा ही चला आ रहा है, करवा चौथ के दिन सारी औरतें कर्नल साहब के यहाँ ही चांद को देखने जाती हैं। आहिस्ता करो ना, तुम हर काम में अपनी ताकत क्यों दिखाते हो? क्योंकि मुझे मजा आता है। बाल कंघी करने में कैसा मजा? तुम्हें रिश्वत देकर तुमसे हाँ बुलाना चाहता हूँ।
आज कोई हवा नहीं होने वाली। सोच लो, पछताओगी। बिल्कुल नहीं। जी हम तो थोड़े दिन के मेहमान हैं। खबरदार, जो मुंह में आता है बक देते हो। सच तो बोल रहा हूँ, 24 तारीख को हम चले जाएंगे। हे, हे पगली, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों याद दिलाते हो उस तारीख की? तुम तो चले जाओगे, कभी ये भी सोचा है कि पूरा एक बरस मैं कैसे गुजारूंगी? जैसे हम गुजारेंगे तुम्हारी याद में। याद बड़ी बेरहम होती है। आहा, याद बड़ी मेहरबान होती है। हमें याद करो और गले लगा लो। तो तुम दूर जाते क्यों हो? सूरज भी तो कितना दूर होता है, लेकिन उसकी रोशनी हर जगह फैली होती है। हाँ, अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे हिस्से की रोशनी छोड़े जा रहा हूं। धोखा देगी दुनिया को? इतना बड़ा पाप करेगी करवा चौथ के दिन? जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हाय जाने तुझको। ये क्या बहू, क्या बात है? अब मेरा असली रूप यही है बाबूजी। मैंने किसी को अभी तक नहीं बताया, लेकिन मैं विधवा हो चुकी हूँ। सूरज अभी दुनिया में नहीं रहा। नहीं बहू, नहीं कर, बाबूजी क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ। अब बाबूजी और भैया के बिना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। ये एक चुटकी सिंदूर जब तक दो जानों को बचा कर रख सकता है, मैं इसे मांग में भरती रहूंगी। अगर ये पाप है तो मुझे पापिन बनना मंजूर है। बार बार आसमान की तरफ देखने से चांद नहीं निकल आएगा भाभी। मुझे पता है, इंतजार की घड़ी खत्म ही नहीं होती। लो समझो खत्म हो गई। जी कहाँ चले गए थे आप? बाबू जी आपकी आंखें क्यों लाल हैं? आप रोए हैं क्या? हाँ मैं आज रोया, मैं बहुत रोया आज। क्या हुआ बाबू जी, आप क्यों रोए? उसकी याद आ गई थी। किसकी याद आ गई थी? किसकी याद आ गई थी कर्नल? सूरज, सूरज की माँ की। वो भी करवा चौथ वाले दिन तेरी लंबी उम्र की दुआएं मांगती थी, लेकिन तेरी उम्र की दुआएं मांगते मांगते उसकी खुद की उम्र छोटी हो गई। क्यों ऐसा करते हैं लोग? क्यों छोड़ के चले जाते हैं बजदार में? क्यों छोड़ के चले जाते हैं बजदार? बाबूजी क्या हो गया बाबूजी आपको? क्यों रुलाना चाहते हैं हमें? खबरदार, मैं कहता हूँ खबरदार कर, जो अब एक भी आंसू निकला है आंखों से, देख देख बहू भी रो रही है। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा, मैं नहीं रोऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं बिनी की शादी करूंगा, फिर मैं भी चला जाऊंगा उसके पास। बाबूजी ऐसा मत कहिए, बाबूजी ऐसा मत कहिए।
मिनी वेयर्स विजय, कितना अच्छा लगता है। गुड्डू वेयर्स गुड्डी, ये कब छपेगा रे? जब आपका चौथा होगा। अबे चुप, तू क्या समझता मैं कुवारा मरूंगा? चौधरी सेठ की शादी जब तक नहीं होती तब तक वो अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। आप दूसरी लड़की ढूंढ लीजिए ना। अबे चुप है, मैं गुड्डी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। वो आप कुवारे मरेंगे। गुड्डू सेठ, कला साहब ने डायरी भेजी, इसमें सारे नाम और पते लिखे। अच्छा अच्छा, आप चले जाइए। अच्छा। 10 दिन रह गए शादी को। देखो पहला ही नाम आया सूरज दत्त। इसका मतलब है कर्नल साहब ने ये बात अब तक छुपा रखी है। मेरी मनोते हम सबको शादी पे चलना ही चाहिए। लेकिन सर, जब वहां ये सवाल किया जाएगा कि सूरज क्यों नहीं आया, तब? तब की तब सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो शादी में शरीक जरूर होंगे। लेकिन सर, कमांडर साहब के हम सबको एक साथ छुट्टी देंगे सर? कमांडर साहब से मैं बात करूंगा, आखिर सूरज की बहन हम सबकी बहन है।